की बात करें टाइप्स ऑफ गार्बेज में, तो हमारे पास कितने हैं, दो तरह के टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो होता है, जिसको हमने लिख भी रखा है, बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, समझिए बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हुआ। कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसको हम लोग बाहर फेंकते हैं तो वो सड़ गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, सड़ जाता है, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करता है, उसको सड़ा गला सकता है। उन सभी मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो गया, एक सबसे पहले वेजिटेबल्स पील्स की बात करते हैं। वेजिटेबल्स पील्स जो है, ठीक है, वेजिटेबल्स पील्स हमारे लिए क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। टी लीव्स की बात करें, टी लीव्स हो गया, या तो कॉटन क्लोथ्स हो गया, कॉटन क्लोथ्स हो गया, ये सब के सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। कागज पेपर वगैरह भी की बात करें तो ये सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। यानी